कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी मार्केट के आउटलुक पर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते में इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल कौन कौन से हो सकते हैं और मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इक्विटी मार्केट से। हमने देखा पिछला हफ्ता काफ़ी मोमेंटम से भरा हुआ रहा, जहां हमने रशिया यूक्रेन का वॉर होते हुए देखा, उसकी वजह से हमने पूरे ही ग्लोब में इक्विटी मार्केट में गिरावट देखी। हालांकि लोअर लेवल से हमने इक्विटी मार्केट में रिकवरी भी आते हुए देखी है। अगर हम देखें तो डाउ जोन्स 1800 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, परंतु लास्ट वर्किंग डे में इसमें एक रिकवरी देखने को मिली और ये ऑलमोस्ट 0.06 फ्लैट क्लोजिंग के साथ करीबन 34,058 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। निफ्टी के भाव में भी हमने करीबन 1200 पॉइंट की गिरावट देखी थी, मगर उसके बाद इसमें एक रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी करीबन 3.58% की गिरावट के साथ 16,658 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। सेंसेक्स में भी हमने करीबन 3.41 की गिरावट देखी और सेंसेक्स करीबन 55,858 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। इक्विटी मार्केट में अगर देखें तो ट्रेंड यहाँ पर अभी भी साइडवेज है, थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का इशू गहराता हुआ दिख रहा है, वहीं हमने देखा है कि काफ़ी रेटिंग एजेंसी ने रशिया की रेटिंग डाउनग्रेड करी है। साथ में कुछ सैंक्शंस भी लगाए गए हैं, जिससे मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी थोड़ा सा एक नेगेटिव टोन में आता हुआ दिख रहा है। हालांकि युद्ध के विराम के ऊपर अभी तक कुछ अटकलें नहीं देखने को मिली हैं, मगर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दोनों देश बातचीत को आगे आते हुए भी दिखाई दिए हैं, मगर अभी तक समझौते वाली बात यहां देखने को नहीं मिली है। तो हमारा मानना है कि मार्केट ऐसे ही एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा, थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर यहां पर देखा जा सकता है, परंतु सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी का रुख भी देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 16,200 और 15,800 रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 17,200 से लेकर 17,650 का रहेगा। हमारा मानना है मार्केट इस रेंज में ट्रेड हो सकता है। अब हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। तो जहां इक्विटी मार्केट में हमने गिरावट देखी, वहीं हमने गोल्ड के भावों में, सिल्वर के भावों में और क्रूड के भावों में, इवन सभी कमोडिटी में एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन आते हुए देखा। MCX गोल्ड के भाव हमने करीबन 18 मंथ के हाई पर करीबन 52,797 के स्तर पर ट्रेड होते हुए देखे और फाइनली हमने देखा गोल्ड का भाव करीबन 0.22% की तेजी के साथ 50,221 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। स्पॉट गोल्ड भी हमने देखा 0.45% की तेजी के साथ 1889 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। हालांकि हमने ये भी देखा सेम या वीक में 17 महीने का हाई करीबन $1974.30 पर आउंस के स्तर देखने को मिले। गोल्ड के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, साथ में इन्फ्लेशन का असर है, हमें लगता है कि गोल्ड के बाज़ार में आगे भी तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। गोल्ड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 49,600 और 49,200, रेजिस्टेंस 50,800 से लेकर 51,300। यह रेंज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर हमें लगता है मार्केट ट्रेड हो सकता है। हमारा मानना है गोल्ड के अंदर लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए टारगेट 50,800 से लेकर 51,300 का रहेगा और ऊपर में गोल्ड के भाव $1925 से लेकर $1940 तक के लेवल दिखा सकता है। सिल्वर के भावों में हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी। सिल्वर के भाव जहां एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे थे, हमने जैसा लास्ट वीक में प्रेडिक्ट किया था कि सिल्वर के भावों में तेज़ी रहेगी, तो वैसी ही तेज़ी देखने को मिली और सिल्वर के भाव 3 मंथ के हाई को ब्रेक करते ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। सिल्वर के भावों में हमने M6 में करीबन 0.19% की तेज़ी देखी और सिल्वर के भाव करीबन 64,023 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं हमने देखा सिल्वर के भावों में 68,000 से ऊपर के स्तर भी देखने को मिले थे। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के भावों में करीबन 1.5% की तेज़ी देखने को मिली और भाव करीबन $24.24 पर आउंस के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। सिल्वर के भावों में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। सिल्वर में अगर हम देखें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 62,800 और 61,500 का रहेगा। रेजिस्टेंस 65,500 से लेकर 67,000 के बीच रहेगा। यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर में 65,500 से लेकर 67,000 तक के लेवल सिल्वर में, इंटरनेशनल मार्केट में $25.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है।
अब हम बात करें बेस मेटल की, तो हमने देखा बेस मेटल में मार्केट एक रेंज बाउंड मोड में ट्रेड होती हुई दिखाई दी। अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉपर के भावों में करीबन 0.22% की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ देखा गया। यहाँ पर भाव करीबन 766.70% के लेवल आते हुए देखे गए। कॉपर के अंदर हमने देखा कि मार्केट थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर के साथ ट्रेड हुआ, मगर हमने देखा सेम वीक के अंदर एक अच्छा खासा तेजी भी देखते हुए देखने को मिली। हमें लगता है कि बेस मेटल में अगला हफ्ता भी पॉजिटिव टेरिटरी के साथ ट्रेड हो सकता है, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टेक्निकल लेवल इस प्रकार है, कॉपर के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 750, 735, रेजिस्टेंस 785 और 805 रहेगा। हमारा मानना है कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में टारगेट 785 से लेकर 795 तक देखने को मिल सकता है। कॉपर के भावों में अगर देखें तो हमें लगता है अगेन लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जिंक की अगर बात करें तो जिंक में हमने करीबन 1.47% की तेजी देखी और जिंक के भाव 300 लेवल के ऊपर क्लोज होते हुए देखे गए। जिंक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 293 और 284 का रहेगा, रेजिस्टेंस 307 से लेकर 313 का रहेगा। हमारा मानना है जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, ऊपर में टारगेट 307 से लेकर 310 तक के लेवल को छू सकता है। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो ये काफ़ी आउट परफॉर्म रहा, एल्युमिनियम के भाव 3% से ज़्यादा से की तेजी के साथ करीबन 270.10 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। एल्युमिनियम के भावों में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते भी आने वाले समय में एल्युमिनियम के भावों में तेजी कंटिन्यू रहेगी। एल्युमिनियम के भाव के लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 262 और नेक्स्ट सपोर्ट 255 रहेगा, रेजिस्टेंस 277 से लेकर 283 का रहेगा। अगले हफ्ते एल्युमिनियम के भावों में टारगेट ऊपर में 277 से लेकर 280 के बीच आ सकते हैं, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। निकल की अगर बात करें तो निकल के भाव भी हमने देखा करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए और निकल में करीबन 1847.70 के स्तर देखने को मिले। हालांकि हमने सेम वीक में 1950 से ऊपर के भी लेवल आते हुए देखे थे। निकल में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हमारा मानना है निकल के भाव ऊपर में अगर देखें तो 1890 से लेकर 1930 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निकल में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1810, 1760, रेजिस्टेंस 1890 से लेकर 1960 के बीच रहेगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अब हम बात करें क्रूड ऑयल की, जो कि एक मेन कमोडिटी है, जहाँ पर हमने देखा काफ़ी वॉलीटिलिटी आती हुई दिखाई दी। हमने सेम पिछले हफ्ते $105 पर बैरल के स्तर आते हुए देखे। हालांकि M6 के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी क्रूड में देखी और ऑलमोस्ट 7400 के ऊपर के लेवल क्रूड ऑयल में आते हुए दिखाई दिए। पिछले हफ्ते क्रूड ऑयल के भाव 1.62% की तेजी के साथ 6839 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 6600 और 6450 रहेगा, रेजिस्टेंस 7050 से लेकर 7300 रहेगा। हमारा मानना है क्रूड ऑयल के भावों में खरीदारी का ट्रेड लेकर चल सकते हैं, ऊपर में टारगेट 7050 से लेकर 7150 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का इशू घेराता हुआ दिख रहा है, उससे सप्लाई डेफिनेटली शॉर्ट होती हुई दिखाई देगी और क्रूड के भावों में हम एक जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सपोर्ट आता हुआ देखेंगे। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी। हालांकि नेचुरल गैस के भावों में भी हमने करीबन 1.5% ज़्यादा की तेजी आते हुए देखी और नेचुरल गैस के भाव करीबन 337.30 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 320 से लेकर 300, रेजिस्टेंस 355 से लेकर 370 का देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस के अंदर हमारा मानना है कि भावों में एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी, तो यहाँ पर हायर लेवल पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में हमें लगता है कि टारगेट जो है नीचे में करीबन 320 से लेकर 310 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का ट्रेड सजेस्टेड है, यहाँ पर हायर लेवल पर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी में हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट आता हुआ देखा। हालांकि रुपी के अंदर हमने कुछ डेप्रिसिएशन आता हुआ देखा और रुपी डेप्रिशिएट होकर करीबन 1.16% डेप्रिशिएट हुआ और उसके साथ 75.58 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। जिस तरीके से सभी एशियन कंट्री करेंसी में हमने गिरावट देखी, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि रुपी के अंदर अगेन एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 75.10 से लेकर 74.60 का रहेगा, रेजिस्टेंस 75.90 से लेकर 76.40 का हो सकता है और रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हो सकता है। यहाँ पर रुपी की जो रेंज है 75.10 से लेकर 76.40 की रहेगी और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लोअर लेवल पर USD/INR में खरीदारी का ट्रेड की सलाह है, यहाँ पर रुपी डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। EURINR की अगर बात करें तो लास्ट वीक भी हमने यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी थी और अगेन हमें यहाँ लगता है कि EURINR में बिकवाली के साथ ट्रेड लिया जा सकता है। हमने देखा है यहाँ पर EURINR 0.26% की गिरावट के साथ 84.61 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 84
और 83.40 रहेगा। रेजिस्टेंस 85.30 से 83.86 का लेवल रहेगा। यहाँ पर बिकवाली की सलाह है, यहाँ पर टारगेट 84 से लेकर 83.70 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी की। तो यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी में सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में हायर लेवल पर बिकवाली आते हुए देखी। ग्वार के भावों में करीबन 6% से ज़्यादा की गिरावट रही और ग्वार के भाव करीबन 5,949 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। हायर लेवल पर बिकवाली आने की वजह से मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिली। हमारा मानना है कि अगले हफ्ते भी भावों में कुछ नरमी का ट्रेड हो सकता है। ग्वार में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 5,700 से लेकर 6,250 का रहेगा और यहाँ पर टारगेट 5,700 तक अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है, तो यहाँ बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। जीरे की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने ट्रेंड डाउन आते हुए देखा और भाव यहाँ पर करीबन 1.20% की गिरावट के साथ 21,850 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। जीरे के भावों में हमने आने वाले समय में आवक स्टार्ट हो सकती है, जिसकी वजह से हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है और हायर लेवल पर आने की वजह से डिमांड भी कुछ कम देखने को मिली है। हमारा मानना है जीरे के अंदर आने वाले वीक में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है और यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी। जीरे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,000 और रेजिस्टेंस 22,500 का रहेगा। यहाँ पर हमें लगता है बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं और ऊपर टारगेट जो है करीबन 21,000 तक के लेवल को दिखा सकता है। साथ में अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो यहाँ पर हमने करीबन 5.5% की गिरावट देखी और भाव करीबन 3,067 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2900, रेजिस्टेंस 3150, यहाँ पर भी बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। हमारा मानना है अगले हफ्ते भाव 2950 से लेकर 2900 के स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। तो हमने देखा है कि पिछला हफ्ता जो है काफ़ी वॉलेटाइल भरा हुआ रहा, आने वाले हफ्ते में भी हम वॉलेटाइल मान के चल रहे हैं कि देखने को मिल सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का ध्यान रखें और इन लेवल्स के बीच में ट्रेड जैसा सजेस्ट किया गया है वैसा ही आप ट्रेड ले सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो आने वाले अगर हफ्ते की बात करें तो रशिया यूक्रेन का जो इशू है वो अगले हफ्ते भी रहेगा और मार्केट में हम वॉलेटाइल देखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप ऐसी वीडियोस के लिए IIFL सिक्योरिटी का YouTube अकाउंट, Twitter अकाउंट और Telegram चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज ही अपना IIFL में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, अपना कमोडिटी अकाउंट एक्टिव करें, करेंसी अकाउंट एक्टिव करें, इक्विटी अकाउंट एक्टिव करें और ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ अपने पोर्टफोलियो को सपोर्ट लेते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।